फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाक से ऑन कर दीजिए, बिकॉज मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज लखनीत फैमिली की तरफ से एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। इनफैक्ट ये जो गुड न्यूज़ है ये सबसे ज़्यादा अच्छी है उनके घर के पेरेंट्स के लिए, यानी कि अंकल एंड आंटी के लिए, बिकॉज बहुत टाइम के बाद उनके घर में उनकी बेटी लौट आई है। पिछली कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान में घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से कीर्ति जो है वो लखन और नीतू के पास जाके शिफ्ट हो गई थी। हालांकि इससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है अंकल द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी बहुत सारी चीज़ों का सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, उनको अपनी गलतियां पता चली हैं कि आखिर मेरे से कहां पे क्या गलतियां हुई थी, जिन गलतियों की वजह से मैं अपनी बेटी से धीरे 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 दूर होता गया या मेरी बेटी मुझसे धीरे धीरे दूर होती गई। वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद अंकल ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को भी बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो शायद उसी वीडियो के ज़रिए अंकल अपनी बहुत सारी बातें अपनी बेटी तक कन्वे कर पाए जो हो सकता है वो सामने बैठ के उससे ना बोल पाते हों। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने बच्चे रहते हैं या माता पिता रहते हैं और हमारे दिल में इमोशंस उनके लिए बहुत होते हैं और हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कभी हमारा गुस्सा हम पे हावी हो जाता है या कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम अपने दिल की वो इमोशनल बातें उनको नहीं बता पाते कि हम उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं और हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर अस। तो ये इम्पॉर्टेंस फील कराने के लिए आजकल एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो अगर हमें गुस्सा होता है तो उस कैमरे के आगे हमारी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है, और जब हमें प्यार होता है तो उस कैमरे के आगे हमारा प्यार भी निकल जाता है। तो अपनी वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बेटी को बहुत स्पेशल फील कराने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि बेटी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसके बाद ससुराल चली जाएगी। और उन्होंने वो भी बताया कि वो मायूस थी, वो परेशान थी, वो इमोशनल थी, और उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ घुस चुकी थी कि शायद पापा मेरी शादी में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस इस तरीके के सामने आए, कंट्रोवर्सी इस तरीके से होने लगी, जिसकी वजह से उसके दिल में ये आया कि अब जो करना है मुझे करना है या लखन करेगा। लखन का पूरा सपोर्ट था शुरू से ही कीर्ति के लिए, तो उनको यही लगा कि या तो मेरे को करना है या लखन को करना है, मम्मी पापा शायद कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देने वाले, वो लोग कुछ नहीं करने वाले, तो अपने आप को उन्होंने उसी तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब चीज़ें गुस्से में उबलती ज़रूर हैं, लेकिन जब उबाल ठंडा होता है तो चीज़ें भी ठंडी हो जाती हैं। जब आपस में एक दूसरे के सामने आए होंगे, एक दूसरे से बातें करी होगी, थोड़ा बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने ये एनालाइज़ कर लिया कि बच्ची के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसके दिलो दिमाग में शायद यही चल रहा है कि पापा मेरी शादी में कुछ नहीं करने वाले हैं और जितना करना है जो करना है अब मुझे ही करना है। ये चीज़ उसके दिल में घर कर गई थी, और वो घर इसीलिए कर गई थी क्योंकि अंकल ने अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहुओं को इम्पोर्टेंस दी, उन्हें वैल्यू दी, और अपनी बेटी को उनके आगे मतलब वो पैम्पर नहीं किया। तो शायद इस रीज़न की वजह से उन्होंने अपनी वीडियो में यही कुछ रीज़न्स बताए हैं जिसकी वजह से वो अपनी बेटी से धीरे धीरे उन लोगों के बीच में दूरियाँ बनती चली गई, क्योंकि वो अपनी बहुओं को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गए थे या बहुओं को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए थे, सारा दिन सिर्फ उनकी तारीफ़ करना, उनके बारे में बोलना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कीर्ति को बुरी लग रही थी, और बुरी लगते लगते अपने लिए माता पिता का कोई भी स्टैंड ना देखते हुए वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गई। खैर, अभी घर में बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के, आज के व्लॉग से ही मुझे पता चला कि वो घर में वापस आ गई हैं और बहुत अच्छे से घर वालों ने बहुत प्यार से उनका घर पे वेलकम किया है। इनफैक्ट कैंडी और उनके भी रिश्ते जो है वो थोड़ा सा सुधरने की कगार पे हो गए हैं, पैचअप भी होता हुआ दिखाया है कि फाइनली छोटी बहू का और कीर्ति का पैचअप हो गया है, और उनके वेलकम की सारी तैयारी भी छोटी बहू ने ही की थी, और ये सारा पैचअप जो कराया है वो अंकल आंटी ने ही कराया है। स्पेशली कीर्ति और छोटी बहू का पैचअप आंटी ने ही कराया है, वही वहाँ पर बीच में बैठी हुई थी, बीच में बैठ के उन्होंने दोनों को आमने सामने बिठाया और दोनों से बोला कि तुम्हारी भी शादी होने वाली है, अब जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी नाराज़गी है उसे ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे उन्होंने बड़े होने का अपना बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया। अगर ये फ़र्ज़ और ये चीज़ें पहले ही रियलाइज़ होती तो शायद आज बात इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं।
वेल एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। उसी के साथ साथ आज छोटे भैया ने भी कॉल पे, छोटे भैया भी थे जब कीर्ति घर के अंदर एंटर कर रही थी, तो वहाँ पे छोटे भैया को भी कॉल लगाई गई। हालांकि थोड़ा सा अभी लग रहा है कि कीर्ति और छोटे भैया के बीच में चीज़ें सुधरने में टाइम लगेगा, क्योंकि इन लोगों की लड़ाई अभी कुछ एक हफ्ते पहले की ही है और सिबलिंग्स के बीच में अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बस गलत ये हो गया कि ये लड़ाइयाँ सोशल प्लेटफॉर्म पर हो गई और दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा उन चीज़ों को बुलाने में। लेकिन जब छोटे भैया की कॉल आई तो वहाँ पे कीर्ति रोने लगी थी, उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। हालांकि छोटे भैया बहुत नॉर्मल साउंड कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनकी कहीं भी कुछ बातें उनको बुरी लगी होंगी और इसीलिए वो सामने से देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई। इमोशंस के साथ उन्होंने घर के अंदर एंटर करा, अपना बैग भी लेके आई और अब बहुत आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने व्लॉगिंग जो है वो शुरू कर दी है। सब ने वापस से एक दूसरे के व्लॉग में पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया है और यहाँ पर मैं बोलूंगी कि बड़ों का बहुत मेजर रोल रहा है कि उन्होंने इस बार अपफ्रंट आके अपने बच्चों के बीच में जितना डिस्प्यूट चल रहा था उस डिस्प्यूट को खत्म करें हैं। आगे बढ़ के किसी एक बच्चे का फेवर ना लेते हुए, किसी दूसरे का फेवर ना लेते हुए, इस बार उन्होंने पूरे बच्चों को एक साथ लाया है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमेशा बड़ों को यही करना चाहिए कि जब बच्चों के बीच में ऐसे कुछ क्लैशेज हों तो कभी भी किसी एक बच्चे का फेवर ना लेते हुए सबको अपने सामने बिठा दो, क्योंकि पेरेंट्स जब तक गार्जियन होते हैं ना, बोलते हैं पेरेंट्स एक वो पेड़ होता है जिसकी शाखाएं भले ही एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, लेकिन वो अपने माध्यम से अपनी सारी शाखाओं को अपने से हमेशा जोड़ के रखता है। ये घर के बड़े गार्जियन का हमेशा से काम होता है, जो कहीं ना कहीं बीते दिनों कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी। लेकिन आज व्लॉग में सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा, कीर्ति को बहुत अच्छे से सब लोग पैम्पर कर रहे हैं, स्पेशल फील करा रहे हैं। और एक यही मूवमेंट होता है, यही फीलिंग होती है जब लड़की की शादी होने वाली होती है, वो एक नए घर जाने वाली होती है, तो वो एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पता होता है कि अब ये दूसरे घर की अमानत होने वाली है, दूसरे घर की इज्जत होने वाली है। और कहीं ना कहीं लड़की को भी पता होता है कि जो फ्रीडम, जो चीज़ें मैंने अपने घर में कर ली उससे थोड़ी डिफरेंट होंगी ससुराल में, चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस एक ससुराल और मायके के बीच में रहता है, तो है ना, उस वक्त में उसको स्पेशल फील कराना चाहिए, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि यही वो यादें होती हैं जो वो अपने साथ अपने ससुराल लेके जाएगी। यही वो कुछ पल होते हैं जिन पल को याद करके वो वहाँ पे खुश होगी। तो बहुत अच्छा किया फैमिली ने कि सबको धीरे धीरे पैचअप करा रहे हैं और सब ने यही बोला कि शादी हम लोग बेस्ट से बेस्ट करेंगे। अंकल ने यही बोला कि मेरी इकलौती लड़की की शादी है और मैं अपनी साइड से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, जितनी अच्छी से अच्छी शादी मैं कर पाया मैं खुद अपनी बेटी की शादी करूंगा, बाकी जिसको जितना कंट्रीब्यूशन अपनी साइड से देना है वो देंगे या दे सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है और वो जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा। क्योंकि बीते दिनों आपने ये कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा सुना होगा कि जहाँ पर ये चीज़ हो गई थी कि कीर्ति की शादी लखन और कीर्ति मिलके ही करने वाले हैं, सारा फिनेंसिस वही लोग देंगे, सारा खर्चा वही उठाएंगे, उनको पेरेंट्स की सिर्फ प्रेजेंस चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा उन्होंने पेरेंट्स की साइड से कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अंकल ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट हो गई, क्योंकि जब हम गुस्से में किसी को कुछ बातें करते हैं तो दोनों साइड से बातें होती हैं, उस समय जो हमारा दिमाग कहता है, जो हमारे दिल में होता है वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब चीज़ें शांत होती हैं उसके बाद सही डिसीज़न निकल के आता है। गुस्से में कभी कोई डिसीज़न सही होता ही नहीं है, सही डिसीज़न तब होता है जब सब के सब शांत होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं, तब किसी भी चीज़ का डिसीज़न निकलता है और फिर वही डिसीज़न जो है वो करेक्ट होता है। तो फिलहाल जो डिसीज़न फैमिली ने लिया है वो एक बहुत अच्छा डिसीज़न है, कीर्ति दीदी के लिए भी बहुत अच्छा डिसीज़न है और पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा डिसीज़न है कि शादी का मूवमेंट है। सबको बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, शादी की छोटी छोटी ग्लिम्स सबकी वीडियोज़ में देखने को मिलेगी और सबसे अच्छी बात कि कीर्ति को खुशी मिलेगी। और बेटी को जाते जाते खुशी देना पूरे परिवार का फ़र्ज होता है और ये हर परिवार को करना चाहिए कि बेटी को विदा करने से पहले के जो उसके कुछ दिन होते हैं उस दिन में उसको ज़रूर बहुत सारा प्यार दो। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर दूं। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, अपनी अपनी राय, अपना अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।